सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। महिंद्रा ने भारत में अपना पहला BS6 कार लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा XUV300 BS6 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है तथा इसे 5 लाख रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया है। महिंद्रा XUV300 पेट्रोल को BS6 अनुसरित किया गया था तथा इसे टॉप मॉडल W8 की कीमत 11 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। इसकी W4 वेरिएंट में BS6 इंजन लाया गया है। महिंद्रा XUV300 में BS6 अनुसरित 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया गया है। कंपनी उत्सर्जन मानक के चलते अपने सभी मॉडलों को BS6 इंजन के साथ ला रही है। कंपनी वर्तमान में महिंद्रा XUV300 के डीजल BS6 इंजन पर भी काम कर रही है तथा इसे जल्द ही लाया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में अभी कोई अधिक जानकारी नहीं दी है। महिंद्रा XUV300 BS6 पेट्रोल के लॉन्च के अवसर पर कंपनी के प्रेसिडेंट राजन वरेंद्रा ने कहा कि हम अपनी पहली BS6 वाहन लाकर खुश है। ये BS6 उत्सव में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महिंद्रा इसके बाद XUV500 को BS6 इंजन के साथ ला सकती है। हाल ही में इसे टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया है। वर्तमान में कंपनी इसके नए जनरेशन मॉडल पर भी काम कर रही है। महिंद्रा XUV300 BS6 के साथ ही कंपनी ने BS6 वाहन लाने की शुरुआत कर दी है। अब कंपनी अगले महीने लगातार BS6 लाने वाली है, जिसमें XUV500 और अल्टोरस G4 आदि शामिल है। बताते चले कि BS6 उत्सर्ग मानक भारत में 1 अप्रैल 2020 से लागू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाए रखने के लिए BS6 इंजन के साथ अपने वाहनों को ला रही है, जिसमें अब महिंद्रा भी शामिल हो गया है। महिंद्रा XUV300 में अपडेट्स इंजन के अलावा और कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। कंपनी जल्द ही इस SUV का भी नया जनरेशन मॉडल लाइनअप पर काम कर रही है, जो कि आने वाले साल में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये नया अपडेटेड वर्जन महिंद्रा की इस XUV का कैसा लगा? क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे इस वीडियो को मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 800 लाइक का। जल्दी से 800 लाइक के टारगेट को पूरा करें और हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आम आदमी तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।